दोस्तों आजकल फिट होना कौन नहीं चाहता, सभी फिटनेस चाहते हैं और उसके लिए वो पुशअप्स लगाना चाहते हैं। अब दोस्तों पुशअप्स लगाएं भी क्यों नहीं, क्योंकि पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है दोस्तों पूरी बॉडी को आपको टारगेट करती है और बॉडी का जो लुक बनता है तो आप उसे देख कर ही बोलेंगे भाई के पुशअप्स लगाने से क्या लुक बनाया। जब आप पुशअप्स लगाते हैं तो आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स टारगेट हो जाते हैं। अब दोस्तों जब सभी पार्ट्स टारगेट होंगे तो सभी पार्ट्स में ग्रोथ भी होगी, इसीलिए आपकी जो पेट होता है दोस्तों ये वजन घटाने में मतलब आपका जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे कम करता है। ऐसा नहीं है कि आपका वजन घट जाएगा दोस्तों, आपकी मसल्स का साइज बढ़ता है, इनसे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो कम हो जाता है। आप ऐसा ना समझें कि मेरे बॉडी का वजन कम हो जाएगा, वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट गेन होना है या बॉडी का वेट लॉस होना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात यही करेंगे कि अगर आपसे पुशअप्स नहीं लगते हैं, आप बिगनर हैं और आप पुशअप्स लगाना चाहते हैं, तो पुशअप्स लगाने की कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप पुशअप्स बहुत ही आसानी से लगा लेंगे और एक तगड़ी पर्सनैलिटी आपकी बनेगी। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों यहाँ पर मैं एक टिप्स आपको दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है। जब आप किसी एक्सरसाइज को ऐसे ही करने लग जाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपकी बॉडी में वो पंप नहीं आएगा और आप इतने रैप्स भी नहीं निकाल पाएंगे जितने कि निकालने चाहिए। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग कि वो वार्म अप कर नहीं करते हैं बॉडी को। तो ऐसे में आप जब प्रैक्टिकली कोई सी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, आप पुशअप्स ही लगाओगे तो आप पुशअप्स इतने नहीं लगा पाओगे, ना ही आपकी बॉडी में वो पंप आएगा जो कि आना चाहिए। तो सबसे पहली टिप्स कि आप वार्म अप जरूर करें। वार्म अप में आप अपनी बॉडी को सही से गर्म कर लें। अगर आप 5-10 मिनट वार्म अप में लगा भी रहें तब भी कोई बात नहीं, बॉडी की एक्सरसाइज भी हो रही है, बॉडी गर्म भी हो रही है और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इतनी ज़्यादा पंपिंग आपकी बॉडी में आने वाली है, सारे रैप्स आपके स्मूथली मतलब इतने प्यार से होंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितनी बढ़िया एक्सरसाइज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको यही देखनी होगी कि आप बॉडी को वार्म अप करें और उसके बाद एक सही फॉर्म में उस एक्सरसाइज को करें। बात कर रहे थे हम पुशअप्स की, क्या बिगनर्स पुशअप्स अब कैसे लगाएं, तो फर्स्ट टिप्स मैंने आपको बता दी। सेकेंड टिप्स, अब दोस्तों अगर आप डायरेक्ट ही नॉर्मल पुशअप्स लगाने लग जाते हैं तो ऐसे में आप नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट अपने दोनों हाथों पर झेलना काफ़ी आसान नहीं होता है सभी के लिए, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जो बिल्कुल ही बिगनर हैं वो क्या करें, नंबर वन पुशअप्स करें वॉल पुशअप्स, मतलब अपने दीवार पर दोनों हाथों को रख लें, किसी भी प्लेन दीवार पर अपने दोनों हाथों को रख लें और आप पुशअप्स लगाने शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये तो आप खड़े होकर पुशअप्स लगा रहे हैं तो ऐसे में कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको ज़्यादा लोड पड़े, सिंपल आप ऐसे पुशअप्स लगा लोगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसके कम से कम 3 से 4 सेट, दोस्तों 4-4 सेट सभी के लगाना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 रैप्स तो निकालने की कोशिश करना। दोस्तों सबसे मेन फंडा मैं आपको बॉडी बनाने का बता देता हूँ, जब भी आप रैप्स निकालते हैं तो जहाँ जिस रैप्स पर जाकर आप थकने लगते हैं, अगर आप उसके बाद रुक जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी बॉडी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि आप चाहते हैं। पर आप थकने के बाद अगर रैप्स निकाले जा रहे हैं कि जब तक बिल्कुल नहीं थक जाऊँगा तब तक रैप्स लगाऊँगा ज़रूर, तो आप एक एक करके गिनती के भाई 15, 16, 17, 18 आपने इतने रैप्स निकाले, ज़बरदस्ती निकाले, तो ऐसे में आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ा। और दोस्तों इसे ही कहते हैं कि नो पेन नो गेन, जब तक बॉडी पर लोड नहीं पड़ेगा, पेन नहीं होगा, तब तक बॉडी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि आप चाहते हैं। तो जितना रैप्स आप उस टाइम पर निकालते हैं जिस टाइम पर आप बिल्कुल वेट को रखने वाले होते हैं या आप छोड़ने वाले होते हैं उस एक्सरसाइज को, तभी आपकी बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ये गलती ना। अब दोस्तों लगाने तो हमें नॉर्मल पुशअप्स ही हैं, पर धीरे धीरे हम उस पोजीशन पर भी आएंगे, जैसे कि हमने खड़े होकर पुशअप्स लगा लिए, अब उसके बाद हम थोड़े से बैंड हो जाएंगे मतलब इनक्लाइन पुशअप्स लगाएंगे। उसके लिए आपके पास अगर पैड है या कोई भी आपके पास मतलब ऐसी थोड़ी सी ऊंची चीज़ है जैसे कि स्टूल होता है या टेबल होती है आपके पास घर में, बेड सभी के होता है, या इतनी ऊंची दीवार होती है जिस पर कि हम इनक्लाइन पुशअप्स लगा लें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ भी सभी के घर में होता है ये सारी चीज़ें, आप इनक्लाइन पुशअप्स लगाइए। अब दोस्तों क्योंकि इसमें भी आप फुल बैंड नहीं होते मतलब नॉर्मल पुशअप्स की तरह नहीं होते हैं, इसलिए इसमें भी आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और इन्हें भी आप आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। हाथों के डिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है कि जितनी शोल्डर की विड्थ होती है उतनी ही आप मतलब थोड़ी थोड़ी बाहर रखें, ज़्यादा अंदर ना करें जिससे कि आपकी पूरा ओवरऑल फोकस आपकी चेस्ट पर आए। दोस्तों रैप सभी एक्सरसाइज के आपको 15 से ज़्यादा ही निकालने की कोशिश करनी है और सेट आपको सभी के 4-4 लगाने हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों आप हम इतना ज़्यादा बैंड हो चुके हैं, नॉर्मल पुशअप्स के हम करीब ही हैं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल पुशअप्स की पोजिशन में आ जाना है और आपको अपने जो आपके नी हैं घुटने हैं उन्हें थोड़ा बैंड कर लेना है मतलब मोड़ लेना है।
अब दोस्तों ये तीनों एक्सरसाइज आपको नॉर्मल पुशअप्स की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि दोस्तों नी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल भी ज्यादा लोड आपकी बॉडी पर नहीं पड़ रहा है, बहुत आसानी से आप इसे परफॉर्म कर लीजिए, क्योंकि आपके पैर उठे हुए नहीं है तो पूरी बॉडी का लोड आपके हाथों पर नहीं है, तो ये बहुत ही कम लोड पड़ेगा आपको नी पुशअप्स करते टाइम। और उसके बाद आप इसे कम से कम वन वीक तो आप इसे परफॉर्म कीजिए, और धीरे धीरे जब आप ऐसा करते जाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आदत हो जाएगी, उसके बाद आप नॉर्मल पुशअप्स लगाने लगेंगे। तो दोस्तों नॉर्मल पुशअप्स आप जब डेली लगाएंगे तो आपको इतनी ज्यादा आदत हो जाएगी। इन तीनों चीजों को अपनाकर बिगनर भी पुशअप्स लगा सकते हैं, और आप इतने ज्यादा पुशअप्स लगाने लगोगे उसके बाद, अगर आप चाहोगे 50 रैप्स एक बार में निकालना तो आप 50 भी निकाल दोगे, और डेली जब आप इन्हें परफॉर्म करोगे और एक अच्छी डाइट लोगे तो आप 50 के 100 भी निकाल दोगे। दोस्तों काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि बहुत ही ज्यादा रैप्स पुशअप्स के निकाले हैं, उनके रिकॉर्ड हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।